तो मिडिल ईस्ट में तनाव बन गया है। वजह यह है कि पहले इसराइल ने लेबनान में अटैक किया, हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद हिजबुल्ला भी जो है वो आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। देखिए, कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्ला ने हमला कर दिया है और इस हमले के बाद इसराइल में भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तरी इसराइल में 140 से ज्यादा रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। इसके अलावा ज्यादातर रॉकेट एयर डिफेंस में हवा में ही गिरा दिए गए हैं, यानी कि यह हमला जो है हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर किया गया। 20 रॉकेट इसराइल के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला पर हवाई हमला किया है। दोनों ही तरफ से देखिए लगातार वार जो है वो किए जा रहे हैं। कई इलाकों में हिजबुल्ला के ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए 19 और 20 सितंबर को इसराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ था और इसी अटैक का बदला लेने के लिए अब हिजबुल्ला जो है वो तैयार नजर आ रहा है। बेरूत में हिजबुल्ला के 8 आतंकी ढेर हो गए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। हिजबुल्ला का टॉप कमांडर अकील जो है इसमें मारा गया था। इसी से जो हिजबुल्ला है वो बौखलाया हुआ है। हिजबुल्ला के 100 ठिकानों पर IDF की एयर स्ट्राइक हुई थी और इसके बाद जो है हिजबुल्ला ने ये कसम खाई थी कि इजराइल की तरफ से जो वार किया गया है, जो हमला किया गया है, उसका हम बदला लेकर रहेंगे। कुल मिलाकर ये युद्ध अब किस ओर जाएगा ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस की दुकान में पेशाब मिलने को लेकर आपने देखा कैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन हिंदूवादी संगठन भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। आज इस पूरे मामले को लेकर के सर्व समाज की तरफ से एक महापंचायत का आह्वान किया गया है। आप रिपोर्ट देखिए। मूत्र जिहाद पर चुप्पी अब और नहीं, सनातन पर आघात अब और नहीं, सनातन पर हमले बहुतायत। गाजियाबाद में आज महापंचायत। गाजियाबाद में बीते दिनों एक खबर से आप जरूर रूबरू होंगे, न सिर्फ रूबरू बल्कि इस खबर ने आपको हिला कर रख दिया होगा, क्योंकि सेहत बनाने के लिए आप जिस जूस का इस्तेमाल करते हैं, गाजियाबाद की उस दुकान पर आपके जूस में पेशाब मिलाकर आपको सर्व की जा रही थी। पहले तो इस खबर को जिसने भी सुना उसने कहा कि वो इस हरकत की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन जब परत दर परत कल्पनाओं से इतर सच सामने आया तो पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ने इलाके के सभी जूस वालों को अल्टीमेटम दे डाला और ये तक कह दिया कि जिसकी भी दुकान बिना लाइसेंस के चल रही है वो 2 दिन के अंदर दुकान बंद कर ले, और इस अल्टीमेटम का वक्त आज खत्म हो चुका है। जिसके बाद आज सर्व समाज की महापंचायत। ये महापंचायत टीला गांव में आयोजित होगी। जिले के शिव मंदिर के बाहर महापंचायत में हजारों सर्व समाज के लोगों और संत समाज के लोग भी शामिल होंगे। महापंचायत की तैयारी में जुटे लोगों ने बताया कि यहाँ साध्वी निरंजन ज्योति, प्रज्ञा ठाकुर, आसपास के गांव के प्रधान और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे, और इस महापंचायत के जरिए जिहादियों को यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कि वो अगर मूत्र जिहाद को बढ़ावा दे रहे हो उस पर तत्काल रूप से पूर्ण विराम लगा लें, क्योंकि अब सनातन ऐसे किसी भी जिहाद को बर्दाश्त नहीं करने वाला जो हमारी आस्था पर सीधा चोट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले हिजबुल्ला रॉकेट लॉन्चरों और अन्य साइटों को निशाना बनाकर किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने 40 मिनट से कम समय में लेबनान के शहरों पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए। हमलों में हिजबुल्ला के 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल लॉन्चर नष्ट किए। इजरायली हवाई हमले में 37 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। लेबनान के मंत्री बोले हिजबुल्ला पर 2006 के बाद से ये सबसे घातक हमला है। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई तबाही। लेबनान के अल जब्बोर हाइट्स में इजरायली हवाई हमलों का फुटेज जारी। इजरायल ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया है। हिजबुल्ला के 180 ठिकानों की बमबारी की है।
इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला, ठिकानों पर दागे 1000 से ज्यादा रॉकेट। हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया, इसराइल के आयरन डोम सिस्टम में हमलों को नाकाम कर दिया है, सिर्फ एक रॉकेट खुले हैं और इसके बाद काफी नुकसान की खबर फिलहाल जानकारी आ रही है। इसराइल ने उत्तरी गाजा में एक स्कूल पर किया हमला, स्ट्राइक में 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, करीब 30 लोगों के घायल होने की खबर। पहुंचले जाग उठा भारत में, फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।